हमारे युग का महानायक। कवित्व हंता छोकरे कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, छायावादी कवियों को जब वे अवतरित हुए भाषा हिंदी में, 100 साल बाद अंग्रेजी रोमांटिक कवियों के गाते हुए केवल नाविकों का ही नहीं प्रशस्ति गान जो पहुंचा सकते थे निर्जन क्षितिज तक, जहां कम से कम प्रेम की कल्पना की छायावादियों ने कोलाहल से दूर केवल असुरक्षा और अपराध की। हालांकि सृष्टि के खत्म होकर दोबारा शुरू होने का महाकाव्य भी रचा गया इसी कारण, इसी कवि के द्वारा। बड़ी उपलब्धि रही छायावाद की प्रकृति विषयक कविताओं की रचना, स्वतंत्र विषय के रूप में प्रकृति की स्थापना। कुछ कवियों ने पार प्रकृति के जाकर खंगाला आध्यात्म को, कुछ ने विचरण किया इतिहास की गलियों में, मानव मन रहा उपस्थित हर कहीं, पर उन्होंने बनाया बनाया वसंत और बारिश, ग्रीष्म और शरद का नया उत्सव, जो युद्ध की शक्ल में खड़ा है हमारे आगे, मुकर्रर करवाने को हर दिन, जो आते हैं अब खौफनाक शक्लों में, जैसे एक दिन गायब हो गई गौरैया के नाम का। अच्छा हो कुछ दिन और पक्षियों के नाम के हो, वे कितने जो लुप्त प्राय हैं, किंतु बिठाने से पहले साथ प्रकृति के मनुष्य जीवन का 100% सही हिसाब लाजिमी है याद कर लेना, कि भले फेंकती हो निराला की चूड़ी की बड़ी शीर्षक कविता द्विवेदी जी ने रद्दी की टोकरी में, निराला में भी सबसे ज्यादा देखती है प्रकृति वर्णन के साथ जीवन का, संध्या सुंदरी में भी विश्राम के मार्ग पर माध्यम से उसके गाया गया है श्रम की महिमा से अधिक श्रमिकों के जीवन का गान, कि क्रांति भी हुई और बहुत बड़ी जब निराला ने पहली बार लिखी भिक्षुक पर कविता, पत्थर तोड़ती नायिका के साथ साथ, लेकिन आज भी वही है हमारे नायक और नायिका, इस त्रासद कथा का खलनायक कौन है और वह क्यों है सुरक्षा।